कांग्रेस संगठन प्रभारी रीवा एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया में मचा हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही घिनौनी बात। आपको बता दें कि रीवा के कांग्रेस संगठन प्रभारी राजा पटेरिया द्वारा दिए गए विवादित बयानबाजी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने ट्वीट करते हुए मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि करीब माह भर पहले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया रीवा के प्रवास पर आए थे, जहां 1 अगस्त को राजनिवास में मीडिया से चर्चा के दौरान राहुल गांधी की शादी को लेकर पीएम मोदी के परिवार को लेकर घिनौनी टिप्पणी करते नजर आए थे, जिसके बाद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने वायरल वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर कर दिया। इससे उन्होंने कहा कि ये बयान कांग्रेस संगठन मंत्री के महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाता है। राहुल जी ने तो शादी ही नहीं की भैया, हमने शादी नहीं की, तुम्हें पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? मोदी जी, तुम्हारे परिवार के अंदर कोई बच्ची अच्छी हो प्रपोज करो, शायद उसको ठीक लगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जवानी की उम्र में एक बार हम राष्ट्रीय विवाह पहले करेंगे, शादी नहीं करेंगे, क्या तकलीफ की बात है? आप बोलो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारी बहू बेटी हो, ले आओ यार, प्रपोज करो, होगा हमारे अध्यक्ष को पसंद आ जाएगी, करेगा। वहीं इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय पटेल ने राजा पटेरिया के विवादित बयान पर उन्हें पागल करार देते हुए कहा कि इसी तरीके से बयानबाजी करते रहेंगे तो आने वाले समय में भाजपा को कुछ नहीं करना पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा जिला के कांग्रेस के संगठन के जिले के प्रभारी पटेरिया जी का जो बयान आया है, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस में इसी तरह की मानसिकता के लोग रह रहे हैं, तब तो देश की जनता ने कांग्रेस का ये हाल किया है, धरातल पे पहुँचा दिया है। और मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता ऐसे ही इनके बयान देते रहे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता अपने आप जवाब देगी। क्या ये इस बयान में आप कुछ शिकायत वगैरह भी कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ? शिकायत क्या, उनके किस किस बयान पर शिकायत करें? सब पगला गए हैं, इनको कुछ नहीं सूझ रहा है और इसका जवाब जनता देगी।